सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। हम मीडिया हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएं जहां तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए। और शायद यही कारण है कि लोकतंत्र में हमें चौथा खंभा, फोर्थ पिलर कहा जाता है। हमारा मकसद ही यही है, हमारा कर्म ही यही है, हमारा धर्म ही यही है कि समाज के हर तबके की आवाज को उस मुकम्मल जगह तक पहुंचाया जाए जिस जगह तक पहुंचने की वो हकदार है। आज सुबह मैं जब सो करके उठा तो मेरे फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। व्हाट्सएप में एक ऑडियो था। उस ऑडियो में एक बच्ची अपने टीचर से बातचीत कर रही थी और बातचीत करते करते वो रोने लगी। असल में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे लॉकडाउन के दौरान, अब लगभग एक साल होने वाला है, इस एक साल के दौरान उसने ऑनलाइन पढ़ाई की है। शायद वो भूल चुकी है कि क्लासेस होती कैसी थी। एक साल का समय एक लंबा समय होता है, 11 महीने तो हो ही चुके हैं। ये 11 महीने का वक्त इतना लंबा था कि इस दौरान 11 महीने से पहले के काल में और 11 महीने के बाद के काल में आप जब देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदल चुकी हैं। जिंदगी शायद पहले सी नहीं है। उस बच्ची का कंसर्न था कि ऑनलाइन अगर हमने पढ़ाई की है तो सर आप अचानक से ऑफलाइन परीक्षा कैसे ले रहे हैं। बच्ची के कंसर्न को हमने समझा, उसके शिक्षक ने हर संभव कोशिश की कि उसके मन की जो जिज्ञासा, उस जिज्ञासा को वो भर सके। फोन पर एक शिक्षक से जितना हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्चों के मन में जो जिज्ञासा है, जो सवाल उमड़ रहे हैं, घूमड़ रहे हैं, उनके जवाब कौन देगा। तो हमने सोचा कि उन्हें ही बुलाया जाए जो इस सवाल को समझते हैं। गुरु तो भगवान होते हैं, तो आज भगवानों को ही हमने अपने सामने बुलाया है ताकि उन बच्चों की समस्याओं का निस्तारण किया जा सके, बच्चों के मन में जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब ढूंढा जा सके। सबसे पहले हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जो कथित तौर पर डीएवी कपिलदेव की एक छात्रा का है। शिक्षक ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से उस बच्ची के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की और शिक्षक खुद भावुक होते नजर आए। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्ची के जो सवाल, उन सवालों का जवाब दे कैसे। सबसे पहले उस ऑडियो को सुनिए, उसके बाद फिर आगे की बातचीत होती है। सुनाइए वो ऑडियो। हम डीएवी कपिलदेव से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर, डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। हो तो क्या फाइनल? क्या है सर फाइनल डिसीजन? ऑफलाइन, ऑफलाइन होगा। सर क्यों ऑफलाइन हो रहा है? न्यूज़पेपर में ये नहीं दिया है कि स्टूडेंट का स्कूल आना एकदम इम्पोर्टेंट है? अगर किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, कोई आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो लोग कैसे करेगा ऑफलाइन एग्जाम्स कैसे? नहीं नहीं वही बता रहे हैं, पहले कंसेंट लिया जाएगा पेरेंट से, ठीक है ना। पेरेंट का कंसेंट मान लो, सारा पेरेंट बोल देगा जो नहीं हम लोग नहीं करेंगे, तब क्या है, तब तो फिर देखा जाएगा। लेकिन मान लो अगर ज्यादा पेरेंट बोले जो नहीं ठीक है, हम रेडी हैं ऑफलाइन के लिए, तब तो ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि सीबीएसई ऑर्डर दे दिया है, गवर्नमेंट भी अलाउ कर दिया है। सर गवर्नमेंट दो पैरामीटर से अलाउ किया है, स्कूल खोलने का अनुमति दिया है, लेकिन ये भी बोला है कि बच्चों का उपस्थिति इम्पोर्टेंट नहीं है और पेरेंट्स का कंसेंट इम्पोर्टेंट है। वही तो हम भी बोल रहे हैं ना, वही तो हम कहा दूसरा बात बोल रहे हैं, पेरेंट का कंसेंट लिया जाएगा, लेकिन अगर मान लो ज्यादा पेरेंट कंसेंट दे दिया जो नहीं ठीक है हम रेडी हैं, तब तो ऑफलाइन ही होगा। मान लो पेरेंट कंसेंट दिया जो नहीं हम नहीं भेजेंगे, तब उस केस में क्या होगा, तब ऑनलाइन होगा। तो सर कंसेंट कब लेगा? कंसेंट अभी आजकल में ही भेजा जाएगा। सर पता है आप लोग इतना लेट कर रहे हैं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज्यादा। हम भी हम यहाँ आउट है, आपको पता है सर कितना प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। ओहो हम भी यहाँ पर, मैं टीचर ही है, तुम प्रिंसिपल से बात थोड़ी कर रही हो, हम भी टीचर ही हैं। आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना, हम बोलेंगे कुछ बोल हम बोले ना। हाँ हम बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टार्ट है इसके कारण। अच्छा रोते नहीं, रोते नहीं, स्कूल एग्जाम लेना शुरू कर दिया, आप लोग अभी डिसीजन नहीं लिए ऑनलाइन ऑफलाइन में। अच्छा रोते नहीं, रोते नहीं है, हम सर से बात कर रहे हैं, सर से बात कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद बात करना है, ठीक है, हम बात करते हैं सर से। कोई डिसीजन नहीं है अभी तक, कंसेंट लेगा सीधे
नहीं ले सकते हैं आप लोग, सबको ही ले रहे हैं ना। अच्छा अच्छा हम बात कर रहे हैं, रो कह रही है, हम बात कर रहे हैं, रुको सर से कीजिए सर, रुको ठीक ठीक ठीक। तो जिस भी बच्ची का ये ऑडियो था बेटा, आप रोना नहीं, स्ट्रेस आउट नहीं होना, जिंदगी में बहुत सारी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जो बिना बोले आएंगी और उन परीक्षाओं में आपको पास होना है। आपकी समस्या को हमने समझा है, हमने कोशिश की है कि जो हमारे गुरु हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो हमारे भगवान हैं, उन्हें हमने स्टूडियो में बुलाया है। हमारे साथ राम सिंह सर हैं, DPS के प्राचार्य हैं, हमारे साथ एम के सिन्हा सर हैं, DAV कपिल देव के प्राचार्य हैं, दोनों को हमने बुलाया है यहां पर। आपकी समस्या का समाधान ढूंढने की ये कोशिश है कि बच्चों आपके ऊपर जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस का समाधान कैसे किया जाए। अगर आपकी समस्या है तो आप हमें बताएं, उस समस्या को भी हम यहां पर रखेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इन दोनों प्रिंसिपल्स का। सबसे पहले मैं MK सिन्हा सर आपके पास ही आ रहा हूं। इस बच्ची का बड़ा मासूम सा ये ऑडियो है, मासूमियत भी है, चिंता भी है, डिप्रेशन की बात हो रही है, लेकिन इन बच्चों को अभी तो जिंदगी की बहुत सारी ऐसी परीक्षाओं से गुजरना है जिन परीक्षाओं को मतलब बिना बोले आना है और इन परीक्षाओं में जीतना भी है सर। तो इस बच्ची की समस्या का क्या समाधान किया जाए? समाधान ये है कि पहले तो हम कल देंगे कि बच्चे कितने इसमें कंसेंट पेरेंट्स दे रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम। देखिए हर स्कूल में अभिभावक दो तरह से बंटे होते हैं। मैक्सिमम अभिभावक से जो मेरी बात हुई उनका कहना है कि ऑनलाइन भी एग्जाम हो, कुछ पेरेंट्स का कहना है कि ऑफलाइन एग्जाम भी हो। खासकर जो बच्चे बाहर के हैं, जो रांची शहर में नहीं रह रहे हैं, कई अदर स्टेट्स के बच्चे जो है कई स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर जो बच्चे को किसी भी तरह का कोई समस्या है, जैसे ये बच्ची मेरे स्कूल की है और ये ऐसा जो आपने दिखाया, तो बच्ची को स्कूल पर मैं आके भी बात करनी चाहिए क्या समस्या है। अगर मान लीजिए बाहर की बच्ची है तो हम कोशिश पूरा करेंगे कि इसका किस तरह से एग्जाम देना चाहती है। मान लीजिए अभी इसके पास समय नहीं है या तैयारी पूर्ण रूप से नहीं कर पाई है। ऑनलाइन का जहां तक प्रश्न है तो ऑनलाइन हर स्कूल, चाहे रांची का हो या चाहे बाहर का स्कूल हो, हर स्कूल अपने अनुसार ऑनलाइन की तैयारी किया है। और मैं पूरा मानता हूं कि बच्चे 90% तो ऑनलाइन में तैयारी किए हैं, सिलेबस भी CBSE ने 30% जो है वो रिड्यूस किया है और उस मामले में बच्चे की तैयारी भी है, कई जो है ऑनलाइन एग्जाम भी बच्चे के हो गए। और खासकर जो 10th और 12th वाले बच्चे का जो अभी एग्जाम चल रहा है, किसी भी तरह के कोई समस्या ऑफलाइन में बच्चों को नहीं हुआ है। एक भी अभिभावक ने आके ये नहीं कहा है कि सर ऑफलाइन जो आप एग्जाम ले रहे हैं वो गलत है। हमने पेरेंट्स से कंसल्ट लिया और हमारे यहाँ खासकर DAV कपिल देव में 90% बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं। जहां तक इस बच्ची का प्रश्न है, पहले इस बच्ची से बात करना होगा। बात करने के बाद, एक ही बच्ची नहीं, अगर इसके अतिरिक्त भी जितने भी स्टूडेंट अगर ये चाहेंगे कि नहीं ऑफलाइन एग्जाम के बजाय ऑनलाइन एग्जाम हो, तो हम समस्या का हल करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारा काम है बच्चे की समस्या को हल करना, ना कि बच्चे की समस्या को बढ़ाना। कोई भी स्कूल प्रबंधक अपने बच्चे की समस्या को हल करने के लिए ही होते हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बच्ची रो रही है, रोने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो तैयारी की है तो अगर मैक्सिमम पेरेंट्स ऑफलाइन का देते हैं तो ऑफलाइन होगा। कुछ बच्चे अगर ऑनलाइन का देते हैं, बाहर के बच्चे हैं, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। राम सिंह सर आप भी कुछ कहना चाहें, बच्ची चूंकि बहुत मासूमियत भरा ये ऑडियो, इस बच्ची का स्टेट ऑफ माइंड जो देख के बड़ी चिंता हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि इस पेंडेमिक टाइम के चलते बच्चे साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर तरह से वीक हुए हैं। जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तो 2 महीने तक बच्चों को लग रहा था, टीचर्स को लग रहा था कि शायद इसके बाद फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सीरियसली बच्चे ऑनलाइन को नहीं ले पाए थे, बहुत एक्वेंट भी नहीं थे नए सिस्टम से, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों। उसके बाद बच्चे
धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया, बच्चे पढ़ते गए, लेकिन आपको बताया कि इसकी कुछ लिमिटेशंस थी ऑनलाइन एजुकेशन का। बच्चों का होमवर्क नहीं करते थे बच्चे, जो क्लास में टीचर पढ़ाते थे उसको लिखते नहीं थे, अभी उनकी कॉपियां मांगने के बाद वो कॉपियां ब्लैंक है, बच्चे लिख नहीं पाए हैं, तो उस लिमिटेशन के चलते बच्चों की तैयारी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई थी। देखिए टेंथ और ट्वेल्थ में मेरा मानना है कि टेंथ और ट्वेल्थ में चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं, उसमें फिजिकली बच्चों को बैठना है, उसके लिए बच्चों को बुला के थोड़े क्लासेस करने की जरूरत है, उनको तैयार करने की जरूरत है। और जो क्लासेज हैं अगर स्कूल ऑनलाइन ही कर लें तो बच्चों के लिए ठीक होगा, बच्चों को परेशानी नहीं हो, और उसमें हम असेसमेंट भी कर लें, थोड़े से ज्यादा पाएंगे या थोड़े मार्क्स कम पाएंगे या थोड़ी कम तैयारी होगी, हम उनको फिर उनके मार्क्स के आधार पर उनको प्रमोट करें, और फिर हम अगले साल जो है वो ब्रिज कोर्स करके पीछे का पढ़ा के उनकी हम तैयारी करा दें, जिससे कि बच्चे ठीक तरह से अपने आगे की पढ़ाई कर सके। और जरूर यह चिंतनीय विषय है, जिस तरह से बच्ची का, एक बच्ची का नहीं है, ऐसे सभी बच्चों का हाल यही है, अच्छे बच्चे भी थोड़े से पैनिक हो गए हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन के नाम पर। तो कुछ बच्चों का जेन्युइन रीजन भी है, बाहर के हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, तो जैसा एमके सिन्हा साहब ने बताया कि इस बच्ची का पर्टिकुलर देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जो हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा आपके माध्यम से वो सभी बच्चों के लिए करना पड़ेगा। और एज ए प्रिंसिपल मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितनी परीक्षाएं ऑनलाइन हो ऑनलाइन लेनी चाहिए, क्योंकि ये कहना सही है बच्चे ऑनलाइन ही पढ़े हैं, लेट देम अपीयर ऑनलाइन। एक छात्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है, डीएवी बरियातू की छात्रा है, वो अपनी समस्या रखना चाहती है। बेटा बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? में फिफ्थ पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पेरेंट्स का कंसेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, पर हमारे स्कूल में एक बार भी हम लोग का कंसेंट से लेके कोई मैसेज नहीं आया है। और जितना बार भी हम अपने प्रिंसिपल को कॉल किया, अपने टीचर को कॉल की, वो लोग बोले कि आप लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग आके देना है एग्जाम तो आके ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। तो सर ये क्या बात हुआ, एक तो हम लोग को एक महीना पहले, हम लोग को कोई भी नॉर्मल स्कूल में एक महीना पहले बता देना था, अगर ऑफलाइन करना था तो एक महीना पहले बता देना था कि आप लोग को एग्जाम जो है ऑफलाइन आके देना है, तब हम लोग रेडी रहते, प्रिपेयर रहते। हम लोग को बाहर से माइग्रेट करके आना पड़ेगा सर, 5 दिन में हम लोग का कैसे होगा, माइग्रेट करके आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, क्या करेंगे सर हम लोग। और एक तो और उसके पास भी सर, जब हम लोग को क्लासेस हुआ, क्लासेस में आधा टाइम हम लोग का बोर्ड ब्लर रहता था, आधा टाइम सर एकदम जो चैप्टर हम लोग का 3-3 महीना चलता था वो एकदम फास्टली एक दो वीक में खत्म कर दिया गया सर। और ये सर इतना ये बस प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक हम अपने टोटल 400 लोगों को सर्वे कर चुके हैं और 400 लोगों का एकदम जेन्युइन रीजन है सर। और उसके बाद भी हमारे टीचर को हम जितना बार कॉल किए उतना बार बोले कि आप मैनेजमेंट से जाके बात करिए सर, मतलब ये गवर्नमेंट है, स्कूल है कि हम लोग का गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट के पास जब जाते हैं कोई काम कराने के लिए तो वो लोग बोलते हैं जाइए आप हायर अथॉरिटी के पास जाइए। अब सर ये मतलब क्या बात हो गया, आप हमेशा जाते हैं तो बोलते हैं मैनेजमेंट से बात करिए, मैनेजमेंट से बात करिए, मैनेजमेंट का नंबर मांगे तो बोलते हैं कि मैम सॉरी आपको। एक बात हम समझना चाहते हैं बच्चे, एक बात हम समझना चाहते हैं कि ऑनलाइन आपकी क्लासेस हुई और अब ऑफलाइन अगर एग्जाम होते हैं तो आपको इससे क्या समस्या होगी, आपकी समस्या हम समझना चाहते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या है, क्या आपकी तैयारी पूरी नहीं है या फिर मन में कोई डिप्रेशन सा है या क्या, किस तरीके की समस्या है? 5 दिन में माइग्रेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे रहते ही नहीं है, हम बिहार से रहे हैं, हम 5 दिन में आपको लगता है माइग्रेट कर पाएंगे? स्कूल अगर हम लोग का जिम्मेदारी लेगा, हम लोग को रखने का वॉशरूम का हर चीज का जिम्मेदारी अगर स्कूल लेने को तैयार है तो हम आने को तैयार है, एग्जाम देने को तैयार है। और बस ये बात नहीं सर, उसके बाद देखिए एग्जाम में प्रिपरेशन सर, प्रिपरेशन हम लोग का, जब हम लोग का ऑफलाइन लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि हम लोग ऑनलाइन देना है, हम लोग घर से बैठ के एग्जाम दे लेंगे, अब उसके बाद सर अभी हम लोग 7 दिन पहले बताया गया सर, हम मेंटली कैसे प्रिपेयर होंगे 7 दिन में? चलिए ये एक जेन्युइन बात है, बहुत जेन्युइन बात आपने कही है। चलिए आप न्यूज 11 देखिए, आपकी समस्या का हम समाधान करने की कोशिश करते हैं, हम आपके सवाल का भी जवाब लेंगे। अन्नी अमृता जमशेदपुर से हमारे साथ, उनके साथ अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी समस्या हम एक बार सुन लेते हैं। अन्नी, ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में बच्चे फंस गए हैं, वो ऑडियो आपने ही मुझे सुबह में सुनाया था और सुन करके मुझे बड़ा मैं सोच में पड़ गया था। मैं सुबह से आज प्लान था कि बच्चों की समस्या को तो आज प्रिंसिपल से इसका सॉल्यूशन लेना है, क्योंकि गुरुजनों के पास हर समस्या का समाधान होता है तो इसका भी समाधान होगा। आपके साथ जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं उनका भी कुछ कहना है क्या? बिल्कुल अभिषेक, हम बात करते डॉक्टर उमेश, अभिभावक संघ के अध्यक्ष जमशेदपुर। ये एक समस्या आ रही है डॉक्टर साहब की, कई सारे स्कूल अभी तक क्लियर नहीं किए हैं कि जो बच्चों की परीक्षाएं हैं 9th की 11th की वो ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन। जैसे CBSE ने क्लियर कर दिया कि वो ऑफलाइन एग्जाम ले रही है, बच्चे परेशान है कि सालों भर ऑनलाइन पढ़ाई हुई, जाहिर है मुकम्मल पढ़ाई नहीं हो पाई है, बच्चों ने भी फांकी मारी है पढ़ने में क्योंकि आप मोबाइल के साथ बैठ के देख रहे हैं, और वहां से भी दिक्कतें हुई है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, शिक्षकों को। तो अब जो ये उहापोह की स्थिति है और बच्चे
दरअसल चाहते भी हैं कि ऑनलाइन परीक्षा हो, क्या होना चाहिए इसका समाधान आपकी नजर में? सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना काल रहा है उसमें जो दो टर्म के एग्जामिनेशन जब ऑनलाइन हुए तो अभी ऑफलाइन परीक्षा लेने की बात क्यों हो रही है, क्यों बच्चों पर दबाव दिया जा रहा है? सही में कहा जाए तो जब ऑफलाइन क्लासेज होते हैं उस समय जब बच्चे जो है डेस्क बोर्ड पर फिजिक्स और मैथ्स के जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं वो सही से तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनका कोर्स किस तरह से कंप्लीट है ये तो भविष्य के गत में है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के दबाव एग्जामिनेशन के समय बच्चों को मानसिकता पर नहीं डालनी चाहिए। CBSE ने कहा है कि आप ऑफलाइन भी क्लास परीक्षा ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ, स्कूल प्रबंधन को ये सब सोचने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते हुए एग्जामिनेशन में उनको तैयार करें और जो है उसका उनका एग्जामिनेशन लें। तो मेरे हिसाब से तो जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होना सही बेहतर रहेगा और इसके ऊपर किंतु परंतु कोई बात नहीं रहनी चाहिए। अभिषेक देखिए जो उमेश कुमार है डॉक्टर वो बहुत लॉजिकल सवाल किया, चूंकि ये गुरुजन हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। पहले मैं लोगों को ये क्लियर कर दूं, देखिए सामने जो लोग बैठे हुए हैं प्रिंसिपल हैं, हार्ड मांस के इंसान ही हैं। हमारी अगर कोई समस्या है, बच्चों की समस्या है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये नहीं समझेंगे। पहले से ही इन्हें विलन मत मान लीजिए कि हाँ इनको समस्या से सरोकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इन्हें भी पता है कि आपको समस्या होगी, उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इस समस्या को इनके सामने बहुत हद तक संभव है कि बच्चों से इन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया है इतने समय से, तो संभव है कि इन्हें इसका आइडिया नहीं है अभी कि बच्चों को क्या क्या समस्या होगी। इसीलिए न्यूज 11 ये मंच बनाए कि इनके सामने इस समस्या को रखा जाए। समस्या है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं निकलेगा, हम समाधान निकालने के लिए बैठे हुए हैं। एक बार हम धनबाद चलते हैं, धनबाद से डॉक्टर जगदीश राम हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल है वो भी। जगदीश सर, बच्चे जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के पेंच में फंसे नजर आ रहे हैं और डिप्रेस भी हो रहे हैं बच्चे डिप्रेस ये हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ऑफलाइन एग्जाम लिया जा रहा है, हम बाहर से आते हैं अगर पढ़ने के लिए तो हमारे रहने का जिम्मा कौन लेगा, एक साल हो गया हमें क्लास का मुंह देखे हुए। साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि लाइव क्लासरूम में समझना बहुत कठिन होता है, तो ऑनलाइन क्लास में कैसे समझेंगे, तो फिर ऑफलाइन एग्जाम लिया जा रहा है उसमें हम एग्जाम कैसे देंगे, तो बहुत सारे सवाल हैं उनके मन में, इनका जवाब कैसे ढूंढा जाए। जगदीश जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद न्यूज 11 को कि आपने एक बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया जी, क्योंकि जब से राज्य सरकार ने और CBSE ने एक ग्रीन सिग्नल दिया है तब से ही इस बात पर और इस बात का बच्चों पर, पेरेंट्स पर और कुल मिलाकर हम शिक्षकों पर भी एक सवाल है हमारे सामने भी कि कैसे होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात बताना चाहता हूं कि हम शिक्षक, हमारा विद्यालय, अभिभावक मंच या अभिभावक संघ और पेरेंट्स सारे लोगों की मेरे ख्याल से एक ही मकसद है कि बच्चों का भविष्य कहीं बिगड़ ना पाए। ऑनलाइन समस्या का समाधान नहीं था, ऑनलाइन मजबूरी थी हमारे लिए कि हम बच्चों से दूर रहें और कहीं इस दूरी में हमारे बीच कोई खाई ना आ जाए, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू की। लेकिन ऑनलाइन हमेशा के लिए होगा ये जरूरी नहीं है, भगवान न करे कि कोरोना जैसी त्रासदी फिर कभी आए। ये तो एक तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट था, अगर हम बच्चे को पढ़ाते नहीं तो वो घर पे भी बैठकर कुछ ना कर पाते। और दूसरी बात, बच्चे, मैं देख रहा था, सुन रहा था कि बच्ची परेशान है, रो रही है। मेरा सिंपल मानना यह कि बेटा, कोई भी या किसी भी तरह के स्टूडेंट्स को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जिंदगी, जैसा आपने भी कहा कि लाइफ में आकस्मिक तौर पर कभी भी परीक्षा आ सकती है, तो यही है सिंपल कि हम तैयार हो रहे थे घर पे, हमें जाकर एग्जामिनेशन देना होगा और वो वही सारे चीजों की एग्जामिनेशन देनी होगी जो हम पढ़े हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक डर है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन इससे पहले भी हुआ, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते समय जब हम पूरी तरह पेरेंट्स के भरोसे एग्जाम ले रहे थे और बच्चों के ईमानदारी पर छोड़े थे, तो सवाल उठता है कि क्या बच्चे ईमानदारी से एग्जाम नहीं दिए थे? और अगर ईमानदारी से एग्जाम दिए थे तो क्या फर्क पड़ता है कि हम ऑनलाइन एग्जाम दें या ऑफलाइन दें? और स्कूल या विद्यालय की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इस समय चूंकि हम 11 महीने का लगभग समय अपने बच्चों से दूर रहे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, फीडबैक प्रॉपरली मिल नहीं पाई,
और इसीलिए अगर हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन भी लेते हैं तो हम इस तरीके से एग्जाम लें कि बच्चों पर अनावश्यक किसी भी तरह का कोई परेशानी या कुप्रभाव न दबाव पड़े, वो डिप्रेशन पे न जाए, वो प्रॉपरली दबाव से रहित होकर आनंददायक तौर पर एग्जामिनेशन ले। इसीलिए मैं चाहूंगा खुद भी और अपने सारे शिक्षकों से और सारे विद्यालयों से ये अनुरोध करना कि इस बार क्वेश्चन के पैटर्न को कुछ इस तरह रखें ताकि बच्चों को आनंद आए, डर नहीं। बिल्कुल राम सिंह सर, पूरी बात हमने सुनी, अभिभावक सिंह की समस्या भी हमने सुनी, कहीं ना कहीं मन में ये मान करके चल लिया जाता है कि भाई निजी स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो विलन होंगे। निजी स्कूल की भी कुछ समस्याएं तो होती हैं, हम तो यहाँ से बैठ करके वही देख सकते हैं जो हमें दिखता है। भाई कोरोना काल में लोगों ने कहा कि फीस 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 फीस, ठीक है बात सही है, आपकी समस्या तो है, लेकिन राम सिंह जी किस समस्या से जूझ रहे हैं, एमके सिन्हा जी किस समस्या से जूझ रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता, पहले ही विलेन बना करके बैठा दिया जाता है कि नहीं ये तो विलेन है, बच्चों की समस्या से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी, ऑनलाइन ऑफलाइन में भी, मैं जिस तरीके से बच्चों में आक्रोश देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मन में मान लिया कि स्कूल उनकी सुनना ही नहीं चाहता है। इस पर्टिकुलर केस में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है, जिसके कारण कि बच्ची को इतना गुस्सा है या उसका कंसर्न है। मैं आपको बताऊं कि 10th और 12th का जब CBSE ने एग्जाम ऑफलाइन लेने का किया था तो जनवरी ऑनवर्ड्स जो है स्कूल खोले गए थे, पूरे कंट्री के हर स्टेट में ऑलमोस्ट स्कूल 10 और 12 के खोल दिए गए थे। उसके पीछे रीजन था कि 3 महीने का उनको फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस की प्रैक्टिस कराया जाए, सिलेबस कम किया गया जिससे बच्चे स्कूल में आए, स्कूल के सिस्टम से थोड़े फिर से एक्वेंट हो, रिफ्रेश हो जाए, क्लास में बैठना 2-3 घंटे बैठना एक रहे, क्योंकि पिछले 11 महीने से बच्चे ये सब काम नहीं किए हैं, इसीलिए बच्चों का डर है। और बच्चों का अगर डर है, बच्चे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, और जैसा अभी एक पेरेंट कोई बोल रहे थे, अभिभावक बोल रहे थे कि अगर हम, इसका मतलब हम बच्चों पर भी डाउट कर रहे हैं, बच्चों के उस व्यवस्था पर भी डाउट कर रहे हैं, हम उसी तरह पढ़ाएं, उसी तरह टेस्ट लें, और बच्चे की कुछ कमियां हैं तो उनको प्रमोट करके अगले क्लास में हम उसको रिवाइज करा दें, जो गैप है उसको फिलअप कर दें और वही अच्छा रहेगा। देखिए एक एक छात्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है, फोन लाइन पर वो जुड़ा हुआ है, उसका ये कहना है छात्रों का कि भाई हमारी पहचान अब जाहिर नहीं कर रहे, तो हम उनकी इस बात को पूरा रिस्पेक्ट देते हुए उस छात्र की पहचान जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन वो कुछ सवाल करना चाहता है, वो पूछना चाहता है कि भाई मेरे मन में ये समस्या है। तो बेटा आप जो भी हैं बोलिए, आज बहुत सारे प्रिंसिपल आपको सुन रहे हैं, आपके मन में क्या डाउट्स हैं, क्या सवाल हैं आपके? अभी ये सर ने कहा कि एग्जाम की लापरवाही हो रही होगी घर पे, तो मैं कहना चाहता हूँ अगस्त से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है सर, तो अगस्त से सेशन स्टार्ट हुआ है तो सितंबर में एग्जाम ले लेंगे सर आप आधा का, तो हम लोग कैसे देंगे सर? हमें सर, मैं मतलब कंप्लीटली सही बोल रहा हूँ सर, ऑनेस्टली से मैंने बुक खोला है सर, मैं कैसे दे सकता हूँ सर एग्जाम वैसे करके सर अंदर ही से, क्योंकि हाफ सिलेबस आ रहा था, पूरा हाफ सिलेबस आ रहा था तो सर, और अगस्त से क्लास स्टार्ट हुआ है, सितंबर से एग्जाम स्टार्ट सर, तो ये और हमारे रांची की प्रेस्टीजियस स्कूल DPS जीवन शामली, इन्होंने तो ऑनलाइन लिया है सर, इन्होंने स्टूडेंट का दर्द समझा है, और हमारे CAM हेमंत सोरेन ने भी जो परसों ये आपदा प्रबंधन की बैठक की उसमें साफ साफ लिखा है कि विद्यार्थियों की कंसर्न जरूरी होगी, लेकिन एक प्रिंसिपल है DAV के, उन्होंने बड़ा रूडली सर दुख लगता है, क्योंकि टीचर हमारे साथ होने चाहिए, हर मतलब हमारी हर परेशानियों का वो साथ होना चाहिए। आपने अपने स्कूल से बात करने की, आपने स्कूल मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की? हाँ पूरी तैयारी की, लेकिन मैं सर बोलते हैं आई विल नॉट टेल यू, मैं आपसे मतलब थोड़ी पता है रूड क्यों बोलते हैं सर, पता नहीं टीचर हमारे साथ रहने के लिए मुझे पता है, लेकिन वो हमारी बात नहीं समझ रहे हैं सर। लेकिन और NDAV के एक प्रिंसिपल ने कहा, DAV के प्रिंसिपल ने कहा, इतना रूडली कहा, एक बच्ची रो रही थी, उन्होंने कहा कि हम पेरेंट्स का कंसेंट का जरूरी नहीं, पेरेंट्स का कंसेंट क्यों नहीं जरूरी सर, जब CM सर ने लिखा है रूडली, उन्होंने नहीं कहा है, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल जो है ना वो हमारे पिता के समान है, हम अगर, जानते हैं सर, हाँ, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, कभी कभार ऐसा हो सकता है, संभव है कि कभी कभार ऐसा हो कि कुछ ऐसी बातें वो बोल दें, चूंकि हमारा मन बाल मन है, देखिए आपके और मेरी उम्र में मुश्किल से 10 साल का अंतर होगा, संभव है कि पिताजी की कई बातें ऐसी होती है जो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं और हमें बुरी लग जाती है, मैं उस चीज को समझ सकता हूँ, और उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि प्रिंसिपल देखिए आपकी जो समस्या है, प्रिंसिपल सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो भगवान के समान है, जी जी प्रिंसिपल सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं खुद कोशिश करता हूँ कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन उनसे जानने की कोशिश करता हूँ सर। क्लास 10th हमने पास किया जुलाई में, और क्लास 11th इज द
मतलब हार्डेस्ट इन आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, 10th to 11th का सबसे बड़ा जंप होता था। अरे मैं सबसे बड़ा पीढ़ी तू बेटा 11th क्लास का, 5 के 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया था 11th में। ठीक है, 10th तो बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। मैं यही सॉल्यूशन मैं सर से लेता हूँ। देखिए एमके सिन्हा सर मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। एक बच्चे की जो गलती होती है उस पर किस तरीके से एक अभिभावक मुस्कुराता है सर? बच्चे को आप कुछ ऐसा बताना चाहें, कुछ आपकी तरफ से मार्गदर्शन। किस स्कूल के स्टूडेंट है बेटा आप? पहले तो डीएवी बरियातू के प्रचार से आपको बात करनी चाहिए। और कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका हम हल नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे बाहर के हैं या बच्चे रांची शहर के ही हैं और उनकी अगर तैयारी नहीं हो पाई है और किसी कारण से बच्चे अगर वो ऑफलाइन एग्जाम देने में सक्षम नहीं है तो प्रचार से बात करें। अगर कोई दिक्कत उसमें आती है तो मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ, झारखंड जोन एफ का प्रिंसिपल भी हूँ, आप मुझसे बात करें। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि आपको ऑफलाइन में अगर कोई समस्या है तो आप बताइए। और जैसे इन्होंने ही कहा कि पांच सब्जेक्ट में ऐसी अगर आपके मन में कोई भय है कि हम भी उसमें सफल नहीं हो पाएंगे तो दोबारा आप सीबीएसई के रूल के अनुसार हम दोबारा आपका एग्जाम लेंगे। इसलिए उसमें कोई वरी होने की कोई चिंता बात नहीं है। चलिए तो उम्मीद है मेरे भाई आपको, आपकी समस्या का समाधान हमने किया होगा। आप कोशिश कीजिए बात करने की। मैंने प्रिंसिपल से बात किया सर, तब हम न्यूज चैनल क्यों आते सर? प्रिंसिपल से हमने बात की सर। एमके सिन्हा सर ने कहा है कि आप उनसे बात कर लीजिएगा, अगर आपकी समस्या है तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर आप उनसे बात कर सकते हैं। ट्राई किया सर बट बेटा देखिए राम सिंह सर कुछ बोल रहे हैं। थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ जी। ये बच्चे जो है हर स्कूलों में किसी भी माध्यम से व्हाट्सएप से मेल से स्कूलों को लिखे थे कि हमको प्रॉब्लम हो रही है ऑफलाइन आके देने में। अलग अलग तरह की, किसी की तैयारी नहीं है तो कोई बच्चे बाहर भी हैं, रहने की समस्या है और 3 घंटे बैठने का प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं या सिलेबस अच्छे से कम्प्लीट नहीं है, तो सबके रीजन है। हमको मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा सभी स्कूल के प्रिंसिपल से या जो बैठे हैं कि अब तो बातें समझ में आ गई, अब बच्चों को बुलाने के बजाय हम लोग उसका एक्शन लेकर के उसको दे दें लिख करके। चलिए तो देखिए आपकी समस्या का समाधान हो गया। सर ने कहा है कि वो लोग आपकी जो समस्या है उसको उनके ध्यान में आ चुकी है। एक जो एक गैप था कम्युनिकेशन का वो कोरोना के कारण हो रहा था। बच्चे तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। उसमें एक मेरा कहना है कि पहले उस प्रचार से बात करें, किसी बच्चे की अगर कोई भी समस्या ऑफलाइन में जी तो वहां के प्रचार से बात करें। अगर प्रचार ने कोई अपनी असमर्थता जाहिर की है तो मैं यहां बैठा हुआ हूं, मेरे ऑफिस में रीजनल डायरेक्टर ऑफिस में बरिया तुम एप्लीकेशन डाले, मैं उनका समस्या हल करूंगा। और इसमें 2-4 बच्चे ही हैं, ज्यादा बच्चे नहीं है। बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम हो जी। बल्कि यहाँ के भी जो पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अजय जी, उन्होंने भी कहा है कि नहीं ऑफलाइन, बल्कि उन्होंने पेपर में उनका आया भी है कि ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए जी। ठीक और है। मैं तो पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि दिन का 1 घंटा आप अपने बच्चों के साथ बिताएं, उनसे समझें कि उनकी क्या समस्या है, क्या वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उनकी समस्या है ऑनलाइन ऑफलाइन का ये जो चक्कर है क्या असल में वो समस्या है या फिर एक मुंह पाश में वो बंद गए हैं। उन्होंने मन में ठान ली कि नहीं ऑफलाइन में दे ही नहीं सकूंगा, उनके मन में ये जो भय है इस भय को आप निकालिए। अगर उनकी तैयारी पूरी नहीं है तो उनकी तैयारी पूरी करने में आप उनकी मदद कीजिए। अन्नी अमृता के पास मैं एक बार जमशेदपुर चलता हूं। अन्नी देखिए आज बात सॉल्यूशन की हो रही है, समस्याएं तो बहुत हैं, अभिभावक संघ अध्यक्ष डॉक्टर उमेश जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे पूछिए कि उनके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, कहीं ये कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है। पिछली बार जब आप आए थे हमारे पास तो जब हमने बात की तो उन्होंने एक लाइन में अपनी बात कह दी कि इतनी किचकिच की आवश्यकता ही क्या है, ऑनलाइन ही होना चाहिए। जब 1 साल पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो वो सही है या गलत है जो भी है, लेकिन ऑनलाइन ही होना चाहिए क्योंकि फिर आप मेरिट का जो है फैसला नहीं कर पाएंगे ना। क्योंकि ये तो सही बात है, एक अभिभावक होने के नाते आप भी जानते हैं भारती की किस तरह से पढ़ाई बच्चों ने की है, एक अभिभावक होने के नाते मैं भी जानती हूँ कि मेरी बच्ची ने किस तरह से पढ़ाई की है। एक टीचर के लिए भी इतना आसान नहीं था ऑनलाइन पढ़ाना। अब जब 1 साल बच्चे पढ़ लिए ऑनलाइन तो अब जब समय नहीं है तो हम बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं और उसमें इस तरह की बातों से लग भी रहा है कि ऑफलाइन की इच्छा है कई स्कूल प्रबंधनों की, उनको ये लग रहा है कि ऑफलाइन, तो ये एक डर पैदा हो गया है। तो सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, अगर उन्होंने फांकी मारी भी है तो ये कोरोना काल में इस तरह की एक माहौल आ गया कि ये बच्चों ने ये गलती की है और उसके लिए पूरी तरह से उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस वक्त हमें इस तरह से मेरिट का फैसला नहीं करना चाहिए। यही बात पिछली बार डॉक्टर अशोक ने कही, फिर एक बार उनसे हम पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब एक लाइन में बताइए क्या होना चाहिए, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर जो चर्चाएं हो रही है क्या होना चाहिए, जो आप बताए थे वही बताइए।
सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की बहस इस लास्ट आवर में, जबकि बच्चे का एग्जामिनेशन होने वाला है, बहस करके बच्चों की मानसिकता पर ये इस तरह से दबाव देने से बेहतर है कि जो दो टर्म के एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन हुए हैं, फाइनल एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन कीजिए, और जब रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगा तो ऑफलाइन लीजिए आप एग्जामिनेशन। इसमें इस तरह के बहस करके जो है मामले को पेचीदा बनाना मैं नहीं समझता कहीं से भी उचित है। देखिए अभिषेक, जो उस बच्चे का ऑडियो वायरल हमने दिखाया, बहुत ही मासूमियत से भरा वो ऑडियो था, आपने खुद कहा, और हम ये चर्चा करने के लिए इसलिए मजबूर हुए कि कहीं ना कहीं ये बातें हैं, बच्चों को आशंकाएं हो रही है कि 1 मार्च से स्कूल खुलने के लिए जो इजाजत मिली है उसी बहाने कहीं परीक्षा ऑफलाइन ना ले ली जाए, इसलिए उहापोह की स्थिति में रखा गया है। कई स्कूलों ने नहीं बताया है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन, खासकर जो 9th और 11th के बच्चे हैं उनकी हम बात करें तो ये तो एक तरह से बच्चों के साथ अत्याचार ही होगा। भले बच्चों ने गलती की है, पढ़ाई में फाकी मारी है, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि 1 साल पढ़ाई के नाम पे खाना पूर्ति हुई है, पढ़ाई नहीं हो पाई है। अगर साइंस की बात करें तो साइंस की किताबों को ब्लैक बोर्ड और रूबरू होकर पढ़ने में भी वक्त लगता है समझने में अभिषेक, और हर बच्चा साइंस को पढ़ने के लिए उतना तेज नहीं होता है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो ऑनलाइन मोबाइल के भीतर घुसकर जिस तरह से पढ़ाई हुई है पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाई है। तो अब परीक्षा के पहले ये सोचा भी क्यों जा रहा है, यही अभिभावक संघ का कहना है कि क्यों सोच रहे था, ऑनलाइन लीजिए, उसके बाद जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगे तब आप फिर से कोशिश कीजिए कि वो जो खाई बन गई है उसको कैसे पाटा जाए, और फिर लीजिए फिर ऑफलाइन क्लासेस। चलिए अभी बिल्कुल आपके इस, आपका जो सजेशन है और आपकी जो बात है बहुत लॉजिकल बात है, इस पर हम तीनों प्रिंसिपल से इनकी राय लेंगे। एक छोटे से ब्रेक का चूंकि वक्त हो रहा है तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद एक फाइनल राय हम तीनों प्रिंसिपल से लेंगे कि क्या उन्होंने मन बना लिया है कि ऑफलाइन है, चूंकि ऐसा तो वो कह रहे हैं कि भाई बातचीत तो होगी, अभी सरकार के गाइडलाइन भी हैं कि पेरेंट्स का कंसेंट लिया जाएगा, और जैसा कि सभी प्रिंसिपल्स ने कहा है कि भाई समस्या है तो इसका बात करके सॉल्यूशन निकाला जाएगा, लास्ट मोमेंट है तो लास्ट मोमेंट में भी सॉल्यूशन तो निकालना जरूरी है क्योंकि बच्चों को हम ऐसे डिप्रेशन में छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो तीनों प्रिंसिपल्स से हम एक बार इसे लेकर के एक फाइनल कमेंट लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, और एक बार फिर से मैं तमाम प्रिंसिपल के पास जाना चाहूंगा। तमाम प्रिंसिपल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्राचार्य महोदय जुड़े हुए हैं। जो समस्या थी वही है कि भाई क्या कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि नहीं परीक्षा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ही लेनी है, क्या लास्ट समय में ये बातचीत बेमानी है, क्योंकि कुछ बच्चे भी कह रहे हैं कि लास्ट समय में सर ये बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है, जब 2 एग्जाम ऑनलाइन हुए हैं तो तीसरा एग्जाम फिर ऑफलाइन क्यों। सबसे पहले मैं जगदीश सर के पास आता हूं, धनबाद चलते हैं। जगदीश सर, क्या लास्ट समय में अगर हम ये बातचीत कर रहे हैं तो क्या ये बेमानी है, क्या अब संभव नहीं है कि इसमें कुछ और आगे ही किया जा सकता है, बच्चों की समस्या का समाधान हो। पहले मैं ये बता दूं कि बच्चे अपने दिमाग से इस बात को पूरी तरह निकाल दे कि हम उनके अगेंस्ट है जी, पूरा शिक्षा तंत्र पूरा समाज हम अपने बच्चों के साथ है, तनाव की कोई बात ही नहीं है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बीच में कोई डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए अगर स्टूडेंट तैयार हो तो, पहली बात। और दूसरी बात है, डरने की जरूरत कहाँ है, जहां हम, और एक अच्छी सी लाइन है ना कि डर के आगे जीत है जी। तो बेटा किसी को भी एग्जामिनेशन से डरने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन के बाद ही आपको अपनी मंजिल तक मिलेगी, चाहे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे। अगर आप शिद्दत से पढ़कर ऑनलाइन ही एग्जाम दे रहे हैं तो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो वैसा ही होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। और जहां तक एकदम कोई ईगो इशू है, कोई ईगो की भी इशू नहीं है, जरूरत पड़ने पर जैसी भी जरूरत पड़ेगी, हम शिक्षकों को तो आदत है हर समय हर स्थिति में अपने आप को परिवर्तन करने की, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित हो, हमें आगे की ओर जाना है जी। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई नहीं। रोने की जरूरत नहीं। एक छात्र और सर, एक और छात्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ एक और छात्र हमारे साथ जुड़ा हुआ, वो भी अपनी बात कहना चाहता है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
शायद उनसे संपर्क टूट गया है हमारा, हम फिर से कोशिश करेंगे कि हम एक बार उनसे जुड़े। राम सिंह सर, जिस तरीके से अभिभावक संघ के अध्यक्ष कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में ये चर्चा बेमानी हो जाती है, भाई जब दो एग्जाम ऑनलाइन हो ही चुके हैं तो तीसरा एग्जाम ऑनलाइन ही करना चाहिए, बच्चों पर अननेसेसरी बर्डन क्यों? देखिए, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, यह केवल एग्जाम ही नहीं, जब कल स्कूल खुलेगा तब भी बच्चों को स्कूल आने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चे एक सिस्टम से यूज टू हो गए हैं, 11 महीने जो पढ़े जिस सिस्टम से उसे यूज टू है। ये बात जरूर है कि अब फेब का लास्ट डेट चल रहा है, वीक चलने वाला है, तो इस समय तक हमको अब डिसीजन ले लेना है कि ऑफलाइन और या ऑनलाइन करना है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ऑनलाइन केवल ऑफलाइन तो नहीं हो सकता, बच्चों की समस्याओं को भी स्कूलों को ध्यान में देना होगा, जो बच्चे बाहर हैं, जिनके रहने की समस्या है या और भी कारण हैं, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में रख करें या ऑनलाइन करके, हमारा मानना है कि आगे बढ़ा करके इन बच्चों को, इनका ब्रिज गैप पर अगर हम ध्यान दें तो हमको लगता है कि ज्यादा सहूलियत होगा बच्चों को और बच्चे अच्छा फील करेंगे। सर एम के सिन्हा सर, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? देखिए, सिंह साहब का कहना बिल्कुल सही है, मेरा इस पर थोड़ा सा अलग है राय। ये है कि ऑनलाइन जो भी बच्चे अगर एप्लीकेशन देते हैं, उनके पेरेंट्स देते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं किस कारण से वो ऑफलाइन नहीं देना चाहते, और बच्चे जो ऑफलाइन देना चाहते हैं उनकी ऑफलाइन एग्जाम हो, जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम दे, इसमें कहीं को, और बच्चे को जैसे उन्होंने कहा, जो धनबाद के प्रचार्ज हैं, बिल्कुल सही कहा, इसमें भय की कोई बात ही नहीं है। कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो उसमें भय किस बात का, अगर आप तैयार हैं डरने की क्या बात, वही आपके टीचर हैं, वही आपके स्कूल हैं, चाहे इलेवेंथ का बच्चा हो तो नए बच्चे जो बाहर से आए हैं, कहीं कहीं वो टेंथ का एग्जाम दिए हैं, तो भय नहीं होना चाहिए। जैसे ट्वेल्थ के बच्चे और टेंथ के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कुछ दिन पहले ही आए स्कूल, कुछ दिन पहले ही खुला, और उसमें भी पेरेंट्स से राय लेके ही किया गया, और अभिभावकों ने जैसे शुरू में क्या किया कि पहले कम आया उनका कंसेंट, बाद में धीरे धीरे करके वो मैक्सिमम बच्चे आने शुरू हो गए। और अभी तक झारखंड में, जहां तक रांची का बात है, मैंने देखा कि जो भी स्कूल खुला हुआ कहीं भी किसी भी तरह का कोई समस्या ना है, ना कोई कोरोना पॉजिटिव के सर, बच्चे। मैं रोक रहा हूँ आपको, माफ कीजिएगा मुझे, एक छात्र और जुड़ा हुआ है, वो बार बार चाहता है कि वो अपनी बात रखे यहाँ पर। जी बेटा बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए सर। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन दे तो हम लोग तैयार है, बट अगर आप लोग एक महीना पहले देते नोटिस तो हम लोग जरूर सेटल हो जाते, और आप लोग अभी दिए हैं एक वीक के अंदर, पर हम लोग को माइग्रेट जैसे कि बताया गया है, हम लोग को सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसके कारण बहुत तकलीफ होगा। आप लोग अगर यही पहले एक महीना देते समय तो हम लोग जरूर से जरूर ऑफलाइन देते, पर आप लोग ने अभी एक ही वीक के अंदर दिया, जैसे कि डीपीएस ने पहले ही एक मंथ के पहले ही दे दिया नोटिस, और भी वो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दे रहे हैं, और हम लोग को अभी वन वीक के अंदर मिला है जो ऑफलाइन का आया है। चलिए, तो ये आपकी समस्या, मैं कोशिश करता हूँ कि चूंकि डीएवी रीजनल डायरेक्टर हैं हमारे साथ, तो एमके सिन्हा सर, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। सर देखिए, ये समस्या है इनकी कि थोड़ा वक्त अगर मिल जाता। देखिए बिल्कुल सही है, स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन किया सही है, परंतु ये तो गवर्नमेंट ने आदेश ही कुछ दिन पहले दिया है, कुछ दिन पहले ही दिया। तो अगर हम पहले कैसे दे सकते हैं कि हम ऑनलाइन लेंगे कि ऑफलाइन, हम दोनों में थे तैयार कि अगर सरकार आदेश देती है कि ऑफलाइन लेना तो ऑफलाइन में लेंगे, और अगर ऑनलाइन में लेना हो तो ऑनलाइन। हमने तो ये समस्या का हल ही कर दिया कि कोई भी बच्चा जहां है, खासकर मेरे डीएवी ग्रुप का है जो झारखंड जोन ऐप में है, तो अगर वो बच्चा ऑफलाइन भी देना चाहता है एग्जाम ऑफलाइन देगा, जो ऑनलाइन देगा ऑनलाइन देना चाहता है, लेकिन इसमें संख्या ऑफलाइन का ही ज्यादा होगा, और किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ। और रिजल्ट का जहां तक प्रश्न, अगर बच्चे किसी सब्जेक्ट में अगर ऑफलाइन में फेल भी कर जाते हैं दोबारा हम एग्जाम लेंगे। जी, राम सिंह सर कुछ कहना चाहते हैं? सर देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो अगर ऑफलाइन एग्जाम स्कूलों को लेना है तो उनको बच्चों को कम से कम एक महीने का टाइम जो है देना चाहिए, जिससे कि बच्चे स्कूल आके देख सकें, पढ़ सकें। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो बच्चे अभी आए थे, जिन बच्चों ने बात किया था, ये सभी बच्चे क्लास 11 वाले हैं और ये बच्चे बाहर वाले हैं, तो वो देखिए हमारे यहाँ या हर स्कूल में बच्चे अभी स्कूल आए ही नहीं,
अपने टीचर्स को जानते भी नहीं या स्कूल के व्यवस्था को नहीं जानते हैं, वो स्कूल में पढ़े नहीं है, इसलिए उनका तनाव में होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है जी। तो मेरा कहना है कि जो भी स्कूल अगर ऑफलाइन कर रहा है तो वह बच्चों को टाइम दे, क्योंकि सीबीएसई ने जब ऑफलाइन किया 10-12 के लिए तो वह एग्जाम को उठा के मार्च महीने से ले जाके वो मई में ले गए, तब जाके टाइम दे करके बच्चों को किए, जिससे कि बच्चों को सहूलियत हुई। वह सहूलियत अगर बच्चों को नहीं दिया जाएगा तो हम बच्चों के प्रति जवाबदेह नहीं मानेंगे। चलिए, तो रिक्वेस्ट मेरी इतनी सी है कि बच्चों की ये जो समस्या है, आप लोग कोई ऐसा सिस्टम बहुत जल्दी डेवलप करें अगले एक दो दिन में, ताकि बच्चों से आपका ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये खत्म हो, ताकि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच जो बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, सबसे पहले इससे ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन का सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया एम के सिन्हा सर, बहुत शुक्रिया राम सिंह सर, बहुत शुक्रिया जगदीश राम सर, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश, बहुत शुक्रिया अन्नी अमृता, कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप जुड़े हमारे साथ और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने चर्चा की है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हमने यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत की है। कोशिश यही है कि हम इसका सॉल्यूशन निकालें, और इसका सॉल्यूशन हम लोग मिल करके निकालेंगे। डिप्रेशन नाम की कोई चीज हमारे इन बच्चों के पास आनी आसपास भी नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हम इसका जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। रांची में